वेलकम फ्रेंड्स, चलिए एक नई क्लास आज से फिर से। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, है ना। ऐसे एक पोयम है बहुत ही अच्छी, ये जन्म हुआ है किस अर्थ हो समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। तो बस उस बात को समझते हुए जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छी तरीके से करिए। अपने दिल से पूछिए क्या आप सही में वैसे कर रहे हो या फिर केवल फर्ज निभा रहे हो। तो कमेंट करके बताना। ये जो क्लास होगी आपकी आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल, ठीक है। आप जानते हो कि अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा अभी बहुत से छात्र छात्राओं ने टीटी के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। और जो बिहार का कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और यूपीएसआई, सब के लिए महत्वपूर्ण होगी। अब आप कहोगे कि एक एक क्लास में सबके लिए कैसे, ये का खिचड़ी है। तो बिल्कुल ही खिचड़ी जैसे ही है। कैसे, देखिए मैथ में लगभग में सभी टॉपिक किसी भी परीक्षा का हो एक समान रहता है, अगर कंपटीशन का हो तो, जैसे वन डे एग्जाम, ठीक ना। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर होता है परीक्षाओं में, लेवल का डिफरेंस होता है, क्वेश्चन के टाइप का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप कहो कि हाँ अनुपात समानुपात रेलवे में आता है, ये तो भाई एसएससी में काहे आएगा, तो एसएससी में भी अनुपात समानुपात आता है, टेट में भी आएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, सीटेट में भी आएगा, ठीक ना। और आपकी जो पुलिस भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो बिहार का कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे यूपी की हो, चाहे राजस्थान की हो, दिल्ली पुलिस का हो, कहीं का भी हो, तो इसलिए इन क्लासों को ध्यान से देखना। वीडियो के ऊपर किसी दिन टीटी का थंबनेल लगेगा, तो किसी दिन पुलिस का लगेगा, तो किसी दिन आरआरबी एनटीपीसी का लगेगा। हम ये देखेंगे कि किस थंबनेल और टाइटल पर ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, फिर उसी पर चलेगा। लेकिन अगर आप उसमें से नहीं हो फिर भी आप क्लास को देखना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुपात एवं समानुपात, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो ये होता क्या है। आपने सुना होगा कि एक लीटर दूध में 200 ग्राम पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बताइए, सुना है ना, बताइए। या फिर अगर एक दूसरा इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा दें, तो 5 मीटर और 7 मीटर के अनुपात को क्या लिखेंगे, 5:7 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 5:7, बीच में दो बिंदी रख देते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, अनुपात। ये तो आप देसी भाषा में समझ लिए, बाकी किताबी भाषा में समझ लो अगर, तो आपके सामने लिखा गया है वो क्या है, समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध, जिससे यह बोध हो कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है, अनुपात कहलाता है। एक बार फिर से देखना, समान इकाई की, समान इकाई से मतलब तात्पर्य समझ रहे हो, जैसे कहा जाए कि ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, तो इसमें कभी अनुपात ना होगा, इनमें कोई रिलेशन ना होगा, ये दोनों मीटर में ही होंगी या दोनों सेंटीमीटर में ही होंगी या दोनों किलोग्राम में ही होंगी दोनों राशियाँ, तभी अनुपात होगा, तभी उनमें रिलेशन होगा, नहीं तो उनमें कोई रिलेशन ना होगा। बात समझ गए ना, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, दोबारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, तो इसमें हम आपको कुछ और भी समझाएंगे, इसे आप एक बात और भी इसमें समझ लो। इसमें जो अनुपात के दो पद होते हैं ना, इसमें एक को पूर्व पद बोलते हैं, किसको, यहाँ पर समझना ऊपर साइड में, ये बताओ आप लोग, तुरंत कमेंट करना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लो पहला है, हमने लिख दिया 3:7, अब बताओ इसमें पूर्व पद कितना है, जल्दी बोलो फट से। पूर्व पद को इंग्लिश में एंटीसीडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, बताइए कौन है पूर्व पद। देखिए जो पद पहले होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, ये क्या है, पूर्व पद, लिख लीजिए जल्दी से, तुरंत लिखिए आप सभी लोग। और इसका इंग्लिश होता है एंटीसीडेंट, इसकी स्पेलिंग के लिए हमने इसको ऐसे पढ़ा, देखिए एंटीसीडेंट ऐसे कुछ होता है, ठीक ना, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, एंटीसीडेंट मतलब समझना। और जो अगला पद होता है उसे अंतिम पद बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम पद, ये अंतिम पद है, लिख लीजिए इसको भी, जल्दी नोट करिए फट से, ये बेसिक एकदम चल रहे हैं, शुरू से ही हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़, कॉन्सिक्वेंट
ठीक, तो ये तो हो गई छोटी सी बात, डेफिनेशन क्या होता है, इन अनुपात के बारे में हमने आपका इनसे परिचय करवा दिया, पूर्व पद और अंतिम पद हो गए। अब हम इसके आगे चलेंगे। अनुपात कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के का मतलब समझना, जैसे विलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात, भिन्न का अनुपात और वर्गमूल अनुपात, द्विघाती अनुपात, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आप क्लास को पूरा देखना, भाग के मत जाना। अब चलिए उनके प्रकार में चलते हैं, ध्यान से देखना। प्रकार में साथियों, यहाँ पर मुख्यतः अनुपात जो है 6 प्रकार के होते हैं, और वो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, हम सबसे आपका परिचय करवाएंगे। क्लास को पूरा देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार। देखिए, इसमें पहला जो है वो विलोमा अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलोमा अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात, मतलब उल्टा एक प्रकार से, जिसको इंग्लिश में इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं। दूसरा प्रकार का जो अनुपात होता है वो मिश्र अनुपात होता है, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। तीसरा टाइप का होता है द्विघाती अनुपात, द्विघाती अनुपात या वर्गानुपात, जिसे डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है। डुप्लीकेट के बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में वर्गमूला अनुपात बोलते हैं। उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो आता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स घना अनुपात या त्रिघाती अनुपात। और त्रिघाती अनुपात के बाद आता है साथियों ट्रिप्लीकेट के बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसका पूरा मतलब हिंदी में होता है घन मूला अनुपात। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत रोक करके, फिर हम आपको एक एक से गहन परिचय करवाते हैं। जैसे पहला विलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, ओके। अब देखिए विलोम अनुपात क्या होता है। विलोम अनुपात यानी कि इनवर्स आर रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है साथियों, ये एक प्रकार का ऐसा अनुपात होता है जिसमें अगर पहली राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि ऑटोमेटिक घट जाती है। जैसे दूरी और चाल, दूरी और चाल में घोर कट्टरता होती है, जैसे आपने देखा होगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो चाल और समय, है ना। अगर चाल बढ़ जाती है तो समय घट जाता है, और समय बढ़ जाता है तो चाल घट जाती है। जैसे अगर कोई ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल करके इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचती है, मतलब प्रयागराज से दिल्ली जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 3 घंटे में पहुंच जाती है मान लो, ठीक है। लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने लगे तो स्पीड दोगुनी हो गई, तो टाइम क्या 3 घंटा ही रहेगा क्या? टाइम घट के 1.5 घंटा हो जाएगा, मतलब समझ गए ना। लेकिन अगर वही ट्रेन किसी प्रॉब्लम से 50 किलोमीटर की स्पीड से जाए, 100 में ना जाए, तो 3 घंटे की बजाय 6 घंटे लगेगा। मतलब अगर ट्रेन का जो स्पीड है बढ़ रही है तो टाइम क्या होगा? घट जाएगा। अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। ये उसी का एक एग्जाम्पल है इसमें विलोम अनुपात। देखिए, जैसे अगर कोई दो राशियां हैं ए अनुपात ए बी, तो इनका विलोम अनुपात हो जाएगा ए अनुपात अपान वन, वो सॉरी, 1/a, फिर अनुपात का निशान लगा करके 1/b। ये तो ठीक है, बराबर करके इसको जब आप सॉल्व करोगे, जैसे आप भिन्न हल करते हो, है ना, भिन्नों का हल करना आता है ना आपको, एलसीएम निकालते हैं हर हर का, फिर क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसमें पहले भिन्न के हर से भाग करते हैं, जो आता है उसका गुणा करते हैं, है ना, जानते हो ना हल करना। तो बस वैसे हमने यहाँ पर किया इसको, और हल करके कितना आया, बी अनुपात ए। बात समझ में आई ना? अगर आपको एलसीएम ये चीज़ करना आता है तो आप इसको कर ले जाओगे, 1/3 धन 1/5 जोड़ना आता है ना आपको, तो उसको कर लोगे। बस उसमें क्या करना है, प्लफ नहीं लगाना बीच में, इतना ध्यान देना, बस बीच में प्लफ नहीं लगाना, बाकी सब वही करना है। तो साथियों, ये तो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 और 4 का, अगर इसमें हम 3 और 4 का अनुपात लेंगे तो क्या होगा मालूम है? 3 और 4 का लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 का विलोम अनुपात 1/3 × 1/4 क्या हो जाएगा? 4। इसको जब हल करोगे तो हल करोगे तो ये 4/3 आ जाएगा। कैसे आएगा 4/3? जानते हो, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 में जब 3 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना, और फिर जब 12 में 4 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा। देखो 4/3 आ गया ना, बात समझ में आई। नीचे एलसीएम नहीं लिखेंगे, नहीं तो कहो कि नीचे एलसीएम भी लिखे रहेंगे। ये अनुपात में हल करने का रूल होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 1/5 ले लो, 3/7 ले लो, 8/9 ले लो, कोई भी दो एग्जाम्पल लेकर के हल कर लेना। अगला चलते हैं।
देखिए साथियों, मिश्र अनुपात क्या होता है, जिसे कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। ये किन्हीं तीन अनुपातों या फिर दो में भी आप निकाल सकते हो। कहने का ये मतलब है कि दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और उनके अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को कंपाउंड रेशियो यानी कि पूर्व वो क्या बोलते हैं मिश्र अनुपात कहा जाता है। पूर्व पद और अंतिम पद के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जिसमें आपने देखा था पूर्व पद को एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट अंतिम पद को कहा जाता है ना। बात समझ में आई? तो मतलब इसका समझना, जैसे इसका अगर मिश्र अनुपात निकालना है, दो तीन चार पाँच और तीन पाँच का मिश्र अनुपात क्या होगा, तो आप सभी में से पहला पहला पद ले लो, इसमें का दो, इसमें का चार और इसमें का तीन, ठीक, और गुणा कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये दो गुणा चार गुणा तीन, ठीक ना, और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो। उसके बाद सभी का अंतिम पद का गुणा कर लो, तीन का पाँच में और इस पाँच का इस पाँच में, तो क्या पाओगे, आपको मिलेगा तीन गुणा पाँच गुणा पाँच। इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या मिल जाएगा, तीन से तीन आप काट भी सकते हो, यहाँ पर अनुपात में कट जाता है गुणा वाले में, नहीं तो आप डायरेक्ट पहले गुणा कर लो। तो ये दो चौक आठ, आठ त्रिक हो जाएगा चौबीस, इधर गुणा करोगे तीन पचे पंद्रह और पंद्रह पचे क्या हो जाएगा पचहत्तर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, ये तो बड़ा सा हो जा रहा ना ऐसे, लेकिन कर लेंगे, पहले गुणा ही कर लो। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये चार तीन बारह दूना चौबीस, अनुपात ये हो जाएगा पचहत्तर। लेकिन अगर ये कट रहा है किसी एक नंबर से तो आप इसको काट सकते हो, क्यों, देखो मतलब समझना, अनुपात का रियल में मतलब क्या होता है। जैसे हमने लिखा चार अनुपात आठ, इसका मतलब होता है साथियों चार बटा आठ, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसको हम काट करके चार एक कम चार, चार दूना आठ, मतलब ऐसे अगर यहाँ काट दें तो एक अनुपात दो लिख सकते हैं ना, इसमें कोई बुराई तो नहीं ना, लिख सकते हैं ना। तो वैसे आप इसको भी काट सकते हो, तीन से काटोगे तीन अठे चौबीस और पच्चीस तीन पचहत्तर, इस तरह से इसका जो मिश्र अनुपात आएगा आठ अनुपात पच्चीस आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, दिमाग में घुस रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप सब क्लास देखोगे तो। आज से आपकी ये नई बैच शुरू हुई है, हमारी कोशिश होगी कि क्रैश कोर्स के रूप में आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाए। इसलिए क्लास को पूरा देखना और हर दिन देखना, मिस मत करना, बीच में छोड़ना मत एक भी क्लास। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो तुरंत। देखिए अगर अगले की बात करें तो द्विघाती अनुपात या वर्ग अनुपात, जिसे इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। देखिए साथियों, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसमें जैसे किसी का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग मतलब आप जानते हो ना, दो घात लगा देना। मतलब देखना, जैसे ए बी सी तीनों का क्या करना है, द्विघाती अनुपात बताना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे पता है, इनका द्विघाती अनुपात हो जाएगा ए का स्क्वायर अनुपात ए बी का स्क्वायर और फिर सी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना, इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। और इस तरह का कोई भी अगर सवाल भी आपको मिल जाए तो आप उसको कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर दूसरा हम ले लें तो दो अनुपातें तीन अनुपातें पाँच, इसका अगर पूछा जाए आपको द्विघाती अनुपात या फिर वर्गानुपात तो क्या होगा मालूम है, दो का घात दो अनुपात तीन का घात दो अनुपात ये पाँच का घात दो, ठीक। तो ये होता है डुप्लीकेट रेशियो। इसके बाद आता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये तो मैंने घात लगा के लिख दिया, इसको फाइनल भी आप कर सकते हो। ये हो गया चार, ये नौ और ये पच्चीस, ठीक ना। अगला हेडिंग लिख लो जल्दी से, क्या है वर्गमूलानुपात। जैसे अगर हम दो बोलें दो अंक ए और बी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, हो गया ना। और हाँ उसके पहले आपको बता दें, इधर साइड में जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़ लेना, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, आपके काम का ही है वैसे बहुत कुछ इसमें, क्योंकि 24 घंटे पढ़ाई ही नहीं होती है ना। तो अगला है इसमें वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात तो आपने देख लिया है ना, अब कौन सा बचा है, वर्गमूलानुपात कहाँ देखा यार, अभी तो ये नहीं हुआ ना। वर्गमूलानुपात तीसरा नंबर था, ये चौथा नंबर है, क्या है वर्गमूलानुपात, मतलब इसका हमने आपको इंग्लिश भी बता दिया था ना, इंग्लिश बता दिया था ना।
जैसे अगर कोई तीन अंक हमने कहा कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का वर्गमूला अनुपात बताइए, तो वर्गमूला अनुपात का मतलब जानते हो, सभी का अंडर रूट निकाल दो, अंडर रूट ए अनुपाते अंडर रूट बी अनुपात अंडर रूट सी, ये क्या हो गया, इसका वर्गमूला अनुपात हो गया। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, खुद ब खुद खुद से बना सकते हो इसका एग्जाम्पल। जैसे हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो, ठीक है। जैसे हमने ले लिया मान लेते हैं 64, और एक नंबर ले लिया 49, और एक नंबर ले लिया 16। अगर कहा जाए कि इन संख्याओं का वर्गमूला अनुपात बताइए, बता लोगे कि नहीं, बता लोगे ना, इनका वर्गमूला अनुपात मतलब अंडर रूट 64, फिर ये अंडर रूट 49, और फिर ये अंडर रूट 16। फाइनल में इनका वर्गमूल अनुपात आ जाएगा 8:7:4। बात दिमाग में बैठ रही है कि नहीं? देखिए, जो भी चीज़ यहाँ पर समझोगे पढ़ोगे, हमारी गारंटी होती है कि आपको समझ में आएगा। बस पूरा क्लास देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, आज ये पहली क्लास है। अपने विचारों को कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना व्यूज आएंगे जितना कमेंट आएंगे उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर ये मत सोचना अगली क्लास भी मिलेगी, ठीक ना। इसलिए कोशिश ये करना कि इस क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ठीक ना। चलिए, बाकी कंटेंट हम आपको देंगे, अच्छा खासा देंगे, समझ में आएगा, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपका भी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बस समझते जाना। अगला है साथियों, इसमें पांचवा टाइप का जो था वो क्या था, घना अनुपात। घना अनुपात को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो, है ना। घना अनुपात को इंग्लिश में त्रिघाती अनुपात भी बोलते हैं। तो घना अनुपात के बारे में अगर बात करें, जैसे अगर हमने कहा कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का घना अनुपात बताइए, क्या बताइए, घना अनुपात या ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, तो इसका सिंपल सी बात है, वही आप इसका क्या करोगे, इसका घनमूल निकाल दोगे। क्या करोगे, घनमूल निकाल दोगे? नहीं, घनमूल नहीं निकालना है साहब, इसका घन कर देना है। देखो, घनमूल भी निकालेंगे लेकिन वो इसमें नहीं, अभी घनमूला अनुपात आएगा उसमें। घनमूला अनुपात और घना अनुपात दोनों में अंतर है, देखो घन और घनमूल में अंतर है ना, तो उसी तरह से घनमूला अनुपात और घना अनुपात दोनों में अंतर है। तो इसका अगर घना अनुपात बोलेंगे तो ए का क्यूब अनुपाते बी का क्यूब और ये अनुपाते सी का क्यूब आंसर होगा। बात समझ गए ना। जैसे अगर इसमें एक एग्जाम्पल की बात करें, हमने नंबर ले लिया 3, 5 और 2। अगर कहा जाए कि इन नंबर का घना अनुपात बताओ तो क्या होगा, इनका घना अनुपात हो जाएगा 3 का क्यूब और ये 5 का क्यूब और ये 2 का क्यूब। फाइनल में 3 3 का 9 3 27, 5 25, 5 125, 2 2 4 2 8। बात समझ में आई ना। ये हो गया आपका टॉपिक, अभी एक और बचा है इसमें, वो कौन है, इसी का अपोजिट वाला है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घनमूला अनुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब साथियों, इसी का जस्ट उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब अपोजिट होता है, समझना क्या होता है, घनमूला अनुपात। देखिए, घना अनुपात पढ़ लिया, अब घनमूला अनुपात हेडिंग डालना। वैसे तो हमने सारी हेडिंग पहले लिखवा दिया था, छठवां टाइप का है घनमूला अनुपात, है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए सिंपल वे में ए बी और सी इनका घनमूल अनुपात, तो इनका घनमूल अनुपात हो जाएगा क्यूब रूट ए, यहाँ पर 3 लिखना, फिर क्यूब रूट बी यहाँ पर 3 लिखना, और क्यूब रूट सी यहाँ पर 3 लिखना। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, तो उसको देखना। जैसे मैंने ले लिया 8:729:64, इसका क्या करना है, घनमूला अनुपात बताओ, इसका घनमूला अनुपात क्या होगा। देखो, एनटीपीसी की परीक्षा में एक आध नंबर का पूछा जा सकता है, एक आध सवाल वैसे टिक वाला आएगा, आप जान ही रहे हो, तो ऐसे हो सकता है दे दिया इसका घनमूला अनुपात बताओ, ऑप्शन में दे दिया 2 4 6, क्या बताओगे, जब टॉपिक का फंडा क्लियर रहेगा तो बता ले जाओगे, बाकी भगवान का अल्लाह का नाम लेके लगाओगे तो
भगवान ही मालिक है क्या होगा। देखिए इसका घनमूला अनुपात का मतलब होगा इसका क्यूब निकाल लो सभी का, तो सभी का क्यूब आप लोग जानते ही हो। और हाँ हमने ये भी बता दिया था आपको कि इनके क्यूब रूट जो होते हैं उनको आप रटो नहीं, समझ लो, देख करके नंबर उसका उत्तर आ जाए। कुछ महाशय ऐसे भी देख रहे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि 8 का घनमूल कितना होगा, 729 का घनमूल कितना होगा, वो क्या करेंगे जोड़ घटाना इसे खर्रा बनाना शुरू कर देंगे बगल में। तब तक परीक्षा का टाइम बीत जाएगा, फिर घंटी बज जाएगी, बाहर निकल जाओगे, फिर कहोगे अरे यार मैथ तो बहुत मुश्किल है मुझे आता ही नहीं, क्योंकि आप करना चाहते नहीं हो तो कैसे आएगा। इसलिए छोटी छोटी टॉपिक को इनको तैयार करके पहले से रखना होता है, हल नहीं करना होता है। तो क्या करोगे आप जानते हो कि 8 का 2 आएगा, 729 का क्या आएगा 7 आएगा, 64 का क्या आएगा 4 आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, इस तरह से 8, 7, 29 और 64 का जो घनमूला अनुपात होगा वो क्या होगा 2, 7, 4 होगा। तो साथियों इस तरह से बड़े ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं आप सभी के साथ कि आज हम लोगों ने अनुपात एवं समानुपात में उसका परिभाषा, उनके प्रकार एकदम निचोड़ सिखा दिया आपको, जैसे नींबू का रस निचोड़ के आप शरबत बना के पीते हैं वैसे पिला दिया है, अगर आपने पिया होगा रियल में तो, है ना। और हाँ अगर ना समझ में आए ना इस वीडियो को फिर से देख लो, क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखो, देखने की ही चीज़ है, देखते रहो, ठीक ना। हाँ अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, लेकिन इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कम से कम 80% देखना, मतलब अगर 25 मिनट की क्लास है तो कम से कम 20 मिनट देखना, जिससे कि अगली क्लास भी आपको मिल सके और ये थोड़ा सा उत्साह मिल सके आप लोगों की तरफ से, हम आपको कंपटीशन की क्लास भी दे सके। नहीं तो आप लोग कहते हो कि 0 लेवल पढ़ के बेड़ा पार नहीं होगी, तो बात तो सही है, लेकिन हमारे जो PBR स्टडी है आपका ना उसमें 80% लोग केवल 0 लेवल ही चाहते हैं, बाकी हम भी चाहते हैं कि ये सब भी आपको पढ़ाया जाए, लेकिन कहते हैं ना मांग जिस चीज़ की होती है वही चीज़ उपलब्ध कराना चाहिए अपनी अच्छाई के लिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ना करेंगे, आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होगी। जिन लोगों को क्लास डेली करना है अगर कोई सवाल है सुझाव है तो वो इस नंबर पे भेज सकते हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर है, फ़ोन कॉल का भी नंबर है। बाकी इस क्लास का जो समय आप जिस समय देख रहे हो उसी समय पर रहेगा, हम इसको निश्चित कर दे रहे हैं कि हर दिन ये क्लास कितना बजे से होगी उतना बजे से आप लोग उपलब्ध होइएगा। ये क्लास अब आप सभी के लिए सुबह इस समय हम सेट कर दे रहे हैं 7 बजे से, ठीक है। बहुत सोच विचार करके हमने इसको 7 बजे से कर दिया है, अब आप सभी लोग इसको सुबह 7 बजे से देख सकते हो PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर सुबह 7 बजे से। PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर आपका टाइम कंफर्म कर दिया जाएगा अगली क्लास में। PBR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी आप इस क्लास को देख पाओगे सेम टू सेम, उसका भी समय हम आपको कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर जुड़े रहिएगा। अगर आप कंप्लीट मैथ चाहते हो कंपटीशन का तो आपको मात्र 700 रुपये जमा करना होगा, फिर आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा घर बैठे। बाकी अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसे YouTube पर फ्री वाली देखते रहो, इसके लिए कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके क्लास की। तो साथियों कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते चलते आपको बता दें ये 7 बजे क्लास होगी आपकी कंपटीशन की, जिसमें से 6:30 बजे अगर पीछे चलें तो आपकी DLED की क्लास होगी, जिसमें 3 दिन आपकी क्या होती है सेकेंड सेमेस्टर होती है और 3 दिन क्या होती है फर्स्ट सेमेस्टर होती है। अगर उसके और भी पीछे चलें सुबह 6 बजे से तो सुबह 6 बजे से भी आपकी DLED फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लास 3 3 दिन होती है। अगर उसके और पीछे चलें तो और पीछे आप पाओगे सुबह 5 बजे से आपकी सबसे फेवरेट मनपसंद क्लास होती है 0 लेवल की मैथ। ये सुबह का कुछ कार्यक्रम आपके सामने दिख रहा है। इतना ही नहीं 8 बजे से आपकी कक्षा 10 की NCERT मैथ होती है, कितना बजे से सुबह 8 बजे से। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासें होती हैं जो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते, उसके लिए आप नंबर पर संपर्क करिए, क्लास को ज्वाइन करिए, कभी भी देखिए कहीं से भी देखिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही, जय हिंद। साथियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर जगह शेयर करना, आज जितना मैंने कहा है शेयर करने को इतना कभी कहा नहीं था, है ना। तो चलते हैं फिर, एक बार फिर से थैंक यू।